का प्याला पी कर भोले नीलकंठ कहलाते हैं। विष का प्याला पी कर भोले नीलकंठ कहलाते हैं। विष का प्याला पी कर भोले नीलकंठ कहलाते हैं। आदि व्याधि रोग मिटाते महाकाल कहलाते हैं। आदि व्याधि रोग मिटाते महाकाल कहलाते हैं। गुरु महाकाल कहलाते, गुरु महाकाल कहलाते, शिव महाकाल कहलाते, शिव महाकाल कहलाते। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ॐ नमः शिवाय, शिवाय नमः, ॐ शिवाय नमः, ॐ। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। हे मृत्युंजय महादेव, हे मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम्, त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पीडितं कर्म बंधने, पीडितं कर्म बंधने, हे मृत्युंजय महादेव, हे मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम्, त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पीडितं कर्म बंधने, पीडितं कर्म बंधने, हे मृत्युंजय महादेव, हे मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम्, त्राहि मां शरणागतम्, त्राहि मां शरणागतम्, त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पीडितं कर्म बंधने, पीडितं कर्म बंधने, पीडितं कर्म बंधने, पीडितं कर्म बंधने, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः अभी जो आपने श्लोक गाया, प्रार्थना गाई, अक्सर ब्राह्मण ऋषि भक्तजन प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव के सम्मुख ये गाते हैं। हमने शिव स्वरूप गुरुदेव के सम्मुख गाया, प्राहि माम शरणागतम, बिना आग के संसार जल रहा है, फिर भी गुरु कृपा की छाया ने, सत्संग की छाया ने हमको कुछ मीठी छांव दी हुई है। वरना संसार की ओर दृष्टि डालें तो त्राही मां, त्राही। सुबह से रात तक मनुष्य दौड़ रहा है, क्या दिल्ली कह लो, क्या बंबई कह लो, क्या गुड़गांव कह लो, क्या देश की बड़े बड़े शहर कह लो, दौड़ दौड़ दौड़। इस भागती दौड़ती दुनिया में एक सतगुरु की शरणागति, गुरु ज्ञान की शरणागति मनुष्य को राहत देती है। इसलिए नानक साहब के वचन दोहरा रही हूँ, आप भी बोलिए, संत न होते तो जल मरता संसार। जहाँ जहाँ संत सानिध्य नहीं है, सत्संग नहीं है, आप कोर्ट कचहरी की हालत तो देखो, आप हॉस्पिटल की हालत तो देखो। एक बार ट्रेन में आ रही थी और कोई कोर्ट के सीनियर सामने बैठे होंगे, मुझे सफेद कपड़ों में देखकर कहा कि कोई संस्था से हैं आप? मैंने कहा जी क्या करती हैं? मैंने कहा जी गुरु आज्ञा से प्रवचन कर। तो कहा मेरा एक काम कर दो प्रवचन में। मैंने कहा बोलिए। कहा हमारे कोर्ट में एक कोर्ट का हिस्सा होता है, बंद कर दो शशांक, अब जोड़ के रखना, अब आपको राउंड पे गए भी आएंगे, ठीक है? मैं काट रहा हूँ। ये तो मूर्ख निकला जी, तो बोला नहीं क्या उसका? क्योंकि मैंने बोला है कि उसका बताया नहीं तूने?
उन पदाधिकारियों ने बताया कि जो पारिवारिक कोर्ट होता है उससे उसमें जो वाद विवाद चलता है वो परिवार के सदस्यों में होता है, भाई बहन में, भाई भाई में, पति पत्नी में, बेटा और पिता में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है, परिवार में इतनी असमंजस, इतनी गांठें क्यों हैं? क्योंकि परिवार में संप और सत्संग नहीं है। सत्संग होता तो संप आ जाता, संप होता तो गांठें खुल जाती, क्योंकि संतों के वचन सुनते तो महापुरुषों के वचन श्रवण करके मन को विशाल करते। कहते हैं जैसे औषध तन का रोग मिटाती है, ऐसे ही सत्संग महापुरुषों के द्वारा दी गई वो अद्भुत औषध है, बोलिए, जो तन का रोग मन की ममता, बुद्धि की जड़ता, जीव के अहम को मिटाकर शुद्ध ब्रह्म का बोध करवाती है। सत्संग वो अमोघ औषध है। और ये औषध कौन देते हैं? संत देते हैं। ये औषध कहाँ मिलती है? कि इन सत्संग भवनों में मिलती है। तो क्यों सत्संग भवनों को सुरक्षित रखा जाता है, साफ सुथरा रखा जाता है, उसमें नियम किया जाता है? क्यों? क्योंकि इस प्याऊ में आके, समय समय पर आकर, ये संसार का त्राही माम बंदा, ये संसार से दुख और रोगों से ग्रस्त बंदा यहाँ आके गुरुद्वार के सत्संग की मीठी छाया का लाभ ले। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने अपने श्री सानिध्य में, अपने श्री वचनों से और अपने कर कमलों से भारत में कई स्थानों पर आश्रमों की सुंदर व्यवस्था करवाई। जबकि भ्रमण करते देखती हूँ कि उस आश्रम में बापूजी शायद एक बार आए हों, शायद दो बार आए हों, कभी दो दिन गुरुजी निवास किए हों, लेकिन उस सत्संग भवन में हर गुरुवार, हर रविवार हजारों लोग आके लाभ लेते हैं। विशाल वट वृक्ष बापूजी के द्वारा लगाया गया, उसमें आके लोग अपने मन के भावों की, मनोकामना को पूर्णता पाते हैं। आश्रम में आके ही एक आनंद मिलता है, आश्रम में आके एक अद्भुत शांति मिलती है। इसलिए ये महापुरुषों का उपकार है कि साहूकार लोग पानी का प्याऊ लगाते हैं ताकि कोई गर्मी से थका हारा हो तो वो पानी पीकर उसको राहत मिले, लेकिन संत महापुरुष सत्संग का प्याऊ लगाते हैं कि जन्म मरण के बंधन से हम खुराक। इसलिए कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मय भी बुनियाद, इतनी देर भी संत संग हो जाए तो बलिहारी गुरु चरणा की, बलिहारी गुरांदे वाणी दी कि हमें मीठा छत्र छाया दिया। इसलिए महापुरुषों का जो कथन है वो हमेशा सिर माथे पर रखना चाहिए कि सत्संग जरूर करना चाहिए। दादा गुरु जी अल्मोड़ा की कुटिया में बैठे थे और एक पाठी, एक साधक पाठ पढ़ रहा था, और पाठ पढ़ते पढ़ते उसमें आया कि संसार सागर से कौन तरे। प्रश्न क्या था कि संसार सागर से कौन तरे? तो उसने पूछा, साईं इन जो जवाब, इसका जवाब क्या होगा? तो दादा गुरुजी बोले, अभी देता हूँ रुक। इतने में नीचे से कोई संतरा बेचने वाला जा रहा था, तो वो नीचे से आवाज़ लगा रहा था कि अच्छे संतरे, मीठे संतरे, प्यारे संतरे। तो दादा गुरुजी बोले, ले ये जवाब तो संतरे वाला ही दे रहा है। तो कहा, साईं ये तो संतरे बेच रहा है। कहा, संतरे तो बेच रहा है लेकिन उत्तर भी दे रहा है। कहा, अच्छे संतरे, प्यारे संतरे, मीठे संतरे, के जो अच्छों का संग करे, जो भगवान के प्यारों का संग करे, जो मधुर वाणी बोलने वाले संतों का संग करे, वो भव से तरे। अच्छे संतरे, मीठे संग तरे, प्यारे संग तरे। महापुरुषों को क्या कहा? कहा भगवान का प्यारा कहा। भगवान के प्यारे कौन हैं? संत हैं।
इसलिए तो भगवान कृष्ण ने भी कहा कि संत मेरे मुकुट मणि और मैं संतन को दास। तो ऐसे महापुरुषों को हम शत शत नमन करते हैं। जो हम अपने घरों में आराम से खा पी रहे थे, हम अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे, आज यहाँ नहीं होते तो भी अपने घर में बैठे होते, लेकिन गुरुदेव ने कृपा बरसाई, हमें याद किया। एक बहुत पुराना भजन आश्रम में कभी चलता था कि बड़े वो भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु बोलो याद करते हैं। तो महापुरुष याद करते हैं तो अद्भुत कृपा है, और वो भाग्यशाली हैं जो महापुरुषों को याद करते हैं, क्योंकि कहते हैं हम जिसको याद करते हैं ना उनके दैवी गुण हमारे अंदर आते हैं, हम जिनको याद करते हैं उनका दैवी स्वभाव हमारे अंदर आता है। इसलिए महापुरुष क्यों कहते हैं कि राम राम जप करो, गुरु मंत्र का जप करो, क्योंकि वो राम नाम की ओरा, वो हरिओम की ओरा, वो गुरु मंत्र की ओरा, वो शक्ति हमारे भीतर आती है। और वो मंत्र जब गुरुओं के द्वारा दिया जाता है तो वो महामंत्र हो जाता है। इसलिए गाया जाता है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो आज का पावन दिन सोमवार प्रदोष व्रत, भगवान शिव तपस्या प्रिय है। माता पार्वती को भी अलख की प्राप्ति करवाई तो पहले तप करवाया, कार्तिकेय को भी भगवान ने ऊंचा पद देना चाहा तो उससे पहले कार्तिकेय को भी तप करवाया, भगवान गणेश को भी तप साधन जप साधन करवाया। शिवपुराण की एक सुंदर कथा बता रही हूँ। कार्तिकेय युद्ध की तैयारियां कर रहे थे, तारकासुर से युद्ध था, बहुत अभ्यास अच्छा कर रहे थे। युद्ध की तैयारियां कर रहे थे, भगवान उनको कार्य कुशल करना चाहते थे, भगवान उनको सब कलाओं से पूर्ण करना चाहते थे। संभव है पिता कई बार मोह में फंस जाए, बेटा अधिकारी न भी हो तो भी पद और पैसा दे सकता है कि मेरे बेटे का भविष्य में इसको कष्ट ना हो सकता है, लेकिन गुरु कृपा अधिकारी पर ही पात्र बनती है। आज प्रश्न उठ रहा है कि गुरु कृपा का अधिकार कौन है, गुरु कृपा का अधिकारी कौन है। बहुत सूक्ष्मता से कहूं तो गुरु कृपा के पात्र और अधिकारी सभी हैं, लेकिन अगर किसी पात्र में छेद होगा तो गुरु कृपा बरसेगी तो सही, पर बुरा नहीं मानिएगा, वो कुछ समय बाद पात्र फिर से खाली हो जाएगा। और हो सकता है कि पात्र अंदर से मलिन हो, बाहर से बड़ा अच्छा दिखे, एक तो पात्र शुद्ध हो भीतर से, और दूसरा पात्र में भीतर मलिनता ना हो, पात्र उल्टा ना हो। अगर पात्र उल्टा होगा तो आया हुआ जल भी गिर जाएगा। अगर गुरुदेव को समझने की बुद्धि उल्टी होगी तो हो सकता है वो संतों की बात को भी उल्टा ले ले कि इनके बोलने पर कह रहे हैं, इनके कहने पे बोल रहे हैं। और अगर अंदर से मटका खराब होगा तो माताएं मेरी बात को जल्दी समझेंगी, उसमें पानी भर तो जाएगा लेकिन वो पानी भी जाकर बोलो तो मैला हो जाएगा। पात्र का पहला शुद्ध होना जरूरी है, पात्र का पहला सीधा होना जरूरी है, और तीसरी बहुत जरूरी बात है कि चलो वो शुद्ध भी हो गया, अब सीधा भी हो गया, लेकिन पता चला कि उसमें छेद है तो भी पानी टप टप करके बह जाएगा।
गुरुद्वार पे कोई बात सुनी, कोई आश्रम की व्यवस्था सुनी, फिर कहीं जाकर बता दिया वहाँ ऐसा चल रहा है, वहाँ ऐसा होने वाला है। तो अपने घर की बात हम कैसे संभाल कर रखते हैं, संजो के रखते हैं, संवार के रखते हैं। ऐसे ही गुरुद्वार को, गुरु सेवा को भी संभाल के संवार के रखना चाहिए। कैसे कैसे महापुरुष हो गए, एक बार संतों से मुलाकात हुई, कितनी बार, एक बार संतों ने पूछा क्या चाहिए, कहा आप जो देना चाहे दे दीजिए। क्या चाहता है, सेवा चाहता हूं। जो इतने शब्द और कहा पीछे धान जाके कूट, और जो धान काटनी शुरू की, कूटनी शुरू की, तो वर्षों बीत गए और वृद्ध होने को है, और गुरुजी चोला छोड़ने को है। तो आपस में गुरु प्रेमियों ने गुरुदेव को कहा कि फिर आप सदैव तत्व से विराजमान हैं, पर इस स्थान पर गुरुदेव आपके श्री वचन पालन होंगे। तो कहा आ जाओ, जो आश्रम में वो सब आ जाओ। सब आगे तो आ गए, लेकिन वो धान कूटने वाला नहीं आया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था तू धान कूटना। गुरुजी ने कहा उसको तो बुला के आओ। कहा स्वामी जी वो क्या करेगा, वो तो धान कूटने वाला। कहा बुला के तो। जब धान कूटने वाला आगे आया तो गुरु ने उसको गद्दी पे बिठा दिया। जयराम जी की का आज्ञा में रह गया। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा, बोलिए तो। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। कहा गुरु जी ये पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा। तो कहा कोई बात नहीं, पर इसने गुरु वचन पे जिंदगी पूरी कर दी। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का सानिध्य मिला है, वचन मिले हैं। तो कार्तिक के पहले तो खूब अभ्यास कर रहे थे, लेकिन एक समारोह रखा गया, आपकी भाषा में कहूँ तो एक उत्सव रखा गया। उत्सव में क्या था कि सब देवी देवताओं को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया, कि सब कार्तिके को क्या दो, आशीर्वाद। लेकिन जितने देवी देवता थे वो सोचे शिव पुत्र के सम्मुख जाएं और खाली हाथ जाएं, ऐसे कैसे होगा। कोई भी किसी से मिलने जाता है तो कुछ ना कुछ तो हाथ में ले जाता है, कोई गुरुद्वार भी आता है तो खाली हाथ नहीं आता। तो सब लोग क्या लेकर गए, कि सब लोग अस्त्र शस्त्र लेकर गए, और सबने अपनी अपनी शक्ति के साथ कार्तिकेय को अस्त्र शस्त्र दिए। और शाम को सब देवी देवताओं की जब विदाई हुई तो कार्तिकेय के चारों ओर अस्त्र शस्त्र पड़े थे। कार्तिकेय इतना इतना प्रसन्न हो गया कि इतने अस्त्र शस्त्र और सब में देवी देवताओं की शक्ति है, अब तो मुझे अभ्यास करने की कोई जरूरत ही नहीं। कई बार ये भ्रांति हमको हो जाती है कि अब इतने साल हो गए, अब माला के बिना ही जप कर लेंगे। कार्तिकेय को भी लग गया अब क्या करना है, अब इतना मिल गया मुझे। लेकिन भगवान भोलेनाथ तटस्थ, जैसे आज भी गुरुदेव तटस्थ हैं। सुबह सुबह नंदी को कहा जाओ कार्तिकेय को अभ्यास के लिए आ जाए। नंदी ने कहा चलिए भगवान बुला रहे हैं। कार्तिकी ने उत्तर दिया था कि मेरे बदले तुम अभ्यास कर लो। जयराम जी की। लेकिन नंदी ने ये उत्तर शिव जी को नहीं दिया। कहा अगर ये उत्तर दूंगा तो पुत्र और पिता में दूरी हो जाएगी। कुलीन गुरु भक्त को कुलीन व्यवहार करना चाहिए, कुशल। शिव जी ने कहा कार्तिकी आया नहीं। कहा जी प्रभु आ रहा है। माताएं कितनी युक्ति युक्त होती हैं, घर में कितनी बातों को संभाल लेती हैं प्यार से, पता ही नहीं चलने देती। ऐसे युक्ति युक्त काम नंदी ने किया। थोड़ी देर में कार्तिकी आए और भगवान ने कहा अभ्यास करिए, तो बोल पड़े कि मुझे अब अभ्यास की जरूरत क्या है, इतने अस्त्र शस्त्र हैं। तो भगवान मुस्कुराए और बोले अस्त्र शस्त्र तो हैं, लेकिन इनका अभ्यास करना पड़ेगा।
तो कहा भगवान मुझे तो नहीं लगता मुझे कोई जरूरत है। तो भगवान ने एक भूत प्रेत को बुलाया, कहा इसके साथ भिड़ो। और उसके साथ जैसे भिड़े, अब शिव जी की कृपा उसके ऊपर थी क्योंकि वो अभ्यास कर रहा था और वो आलसी था। वो ऐसा भिड़ा के पहाड़ के नीचे कार्तिकेय चला गया। शाम को ऊपर आया, भगवान ने कहा कहाँ गिरे थे? कहा भगवान इसने बहुत नीचे गिरा दिया, इसलिए कह रहा हूँ अभ्यास करो। यही भगवान कृष्ण ने छठे अध्याय में कहा और यही पूज्य बापूजी ने अपने सत्संग वाणी में कहा कि जैसे पंख बिना पंछी उड़ नहीं सकता, ऐसे अभ्यास और वैराग्य के बिना साधक ऊंची उड़ान भर नहीं सकता। कभी आप लोग सोलन जाओ ना, घूमते रहते हो कभी कभी बच्चों के साथ छुट्टियों के दिन में, तो सोलन की कुटिया जरूर देखिएगा। थोड़ा पहाड़ी पर चढ़ना पड़ेगा,